नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आने वाले नल जल योजना की सफलता कितनी रही है, इसको देखते हुए मीडिया दर्शन पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, नल जल कितना सफल कितना विफल, जिसके अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सोनहर पंचायत के सिनवार गाँव की। हम लोग देखेंगे कि सिनवार गांव में नल जल कितना सफल है और गांव के लोग इससे कितना ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें कितना लाभ मिल रहा है इस योजना का। तो इस पूरे वहां की स्थिति को, नल जल की स्थिति को कवर किया है हमारे संवाददाता अजय ने। तो आइए देखते हैं अजय की रिपोर्ट। नाम अजय कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी हम मौजूद हैं सोनहर पंचायत के सिनवार गाँव के वार्ड नंबर 12 में और हम बात करेंगे आज 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आने वाले नल जल योजना के बारे में। जैसे कि बिहार सरकार ने निर्देश दिया था कि 2019 और 2020 आते आते ही नल जल योजना की पानी सभी घरों तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन सिनवार गांव के वार्ड नंबर 12 में अब तक नल जल योजना की पानी घरों में नहीं पहुँच पाई है। मैं आप मेरे पीछे ये भी देख सकते हैं कि एक टंकी लगा हुआ है, नल जल योजना का ढांचा है जिसमें अभी आधा अधूरा कार्य हुआ है। अभी ये भी देख सकते हैं कि एक टंकी है लेकिन दूसरा टंकी अभी तक नहीं लगा हुआ है। टंकी का पानी अभी तक घरों के लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, उन्हें पानी की जो है प्राप्ति नहीं हुई है। और ये भी है कि यह बहुत काफ़ी दिनों से यहाँ कार्य चल रहा है टंकी का, लेकिन अभी तक नल जल योजना का पानी लोगों को प्राप्ति नहीं हुई है। यहाँ लोगों को नल जल योजना का जो पानी है उन्हें नहीं मिल पाया है पीने के लिए। और ये भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से जो पाइपलाइन है वो सभी जगह बिछा दिया गया है, लेकिन इसमें भी अभी कुछ जगह ऐसे भी हैं जिन्हें घर तक पाइप नहीं बिछाया गया है। हम यहाँ के लोगों से पानी आता है फिर? नहीं सर, हमारे घर नहीं आता। क्या यहाँ नल जल योजना का पाइप बिछा देगा आपके घर? ना पाइप लगा, लेकिन आज से कामयाब नहीं हुआ, पानी आज तक एक लोटा भी नहीं किया। कितने दिनों से ये सब बन रहा? जब शुरू से अभी तक गिर भी नहीं किया एक लोटा। कौन मुखिया? ये है पंकज जी। तो पंकज जी हैं तो आपको कभी आते हैं नल जल योजना? आते हैं देखने के लिए, कभी कभी आते हैं, तो कभी आए महीना पर, एक महीना पर अपना घूम कर चले गए। उन्होंने कभी कुछ बात किया है? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं किया। पानी आपके घर तक पहुंचता है? नहीं, हमारे घर नहीं जाता है। कितने दिनों से यह कार्य चल रहा है? शुरू है तब से नहीं गया, एक बार नहीं, अभी भी नहीं गया। नहीं। क्या मुखिया से आपने कभी बात की इस बारे में? ना, इस बारे में बात नहीं की। किस वार्ड में? तो किस वार्ड में है? 12 में। तो मुखिया यहाँ आते हैं कभी देखने के लिए? मुखिया जी आते हैं, हम शिकायत नहीं किया कभी। अच्छा, ठीक है। हम 12 वार्ड में हैं। अच्छा, नल जल योजना के तहत जो है पानी आता है? पानी अभी नहीं आता है। हम लोग पानी नहीं आता नहीं। तो मुखिया कभी आए हैं? मुखिया आते हैं, हाँ देखने आते हैं कि पानी आया कि नहीं। हमसे बात नहीं हुआ है मुखिया जी से, लेकिन आते हैं। कितने दिनों से यहाँ तक लगभग काम कर रहे हैं मुखिया जी? नहीं, जो नल जल योजना है, हाँ। कितने दिनों से ढांचा की बनाया जा रहा है? ये जो जब से बना हुआ है तब से अभी हम लोग यहाँ पानी नहीं आया। हाँ, कितना समय लग गया होगा उस बनाने में? हम तो ये हम नहीं बता सकते हैं कितना समय हुआ, कितना लगा बनाने में। अभी आपने देखा पूरी रिपोर्ट को, अजय ने बताया कि जो ढांचा है वो भी बिल्कुल अधूरा है, जो नल जल का ढांचा है वो अधूरा है, पानी की टंकी जो है उसकी संख्या 2 होनी चाहिए, वहाँ पर 1 है। ग्रामीणों ने भी बताया कि वहाँ पर उन्हें इस तरह इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें जल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना इसमें है कि मुखिया जी से वहाँ बातचीत होते रहती है, मुखिया जी आते रहते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि मुखिया जी नहीं आते हैं। इस अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि जो वहाँ के मुखिया हैं, सोनहर पंचायत के मुखिया हैं, सेलेक्टेड लोगों के यहाँ जाते हों और सेलेक्टेड यहाँ के लोगों के यहाँ ना जाते हों। ये बातों से पता चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुखिया का आना जाना होता है और कुछ लोग कह रहे हैं कि मुखिया का आना जाना नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ जो सभी ने कही वो ये कि उन्हें नल जल योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।